वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। दिल्ली हिंसा के खतरनाक मोड़ पर आ जाने के बाद न्यायपालिका ने सख्त रुख अपनाया है। संशोधित नागरिकता कानून CAA को लेकर विरोधी और समर्थकों के बीच हिंसात्मक टकराव से देश की राजधानी सुलगती रही। हिंसा रोकने में पुलिस पूरी तरह नाकाम दिखी। क्या वजह है? पुलिस तब सक्रिय भूमिका में आती है जब उसे ऊपर से कोई संकेत मिलता है। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक के बाद पुलिस ने जाफराबाद के रास्तों को खाली करा लिया। इससे पहले पुलिस का सख्त कदम नज़र नहीं आया। शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल खुद हिंसा प्रभावित उत्तर पूर्वी दिल्ली की सड़कों पर उतरे। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट को यह टिप्पणी करनी पड़ी कि 1984 जैसी स्थिति दोहराने नहीं देंगे। हाई कोर्ट ने पहले मंगलवार रात सुनवाई की और फिर बुधवार को दिन में। कोर्ट ने आपसे भाजपा में आए कपिल मिश्रा का वह वीडियो भी देखा जिसमें उन पर भड़काऊ भाषण देने का जिक्र है। कोर्ट ने इस पर सॉलिसिटर जनरल से उनकी राय भी जानी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि हिंसा से निपटने का उसका तरीका पेशेवर नहीं रहा। शीर्ष कोर्ट की यह टिप्पणी पुलिस को आईना दिखाती है। पुलिस का काम है कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं देना। इसके बजाय दिल्ली पुलिस में पेशेवर रवैये का अभाव दिखा। उसे शुरुआत से ही हिंसा की गंभीरता का एहसास नहीं हो पाया। उत्तर पूर्वी दिल्ली में जब हिंसा भड़की तो उससे निपटने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात नहीं था। पुलिस का खुफिया तंत्र हर मोर्चे पर विफल साबित हुआ। 3 दिन में हिंसा से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती रही। इससे पूरा देश चिंतित हो उठा। हिंसा की ऐसी घटनाएं पुलिस के प्रति विश्वास घटाती हैं और इस लिहाज से बीते कुछ सालों में दिल्ली पुलिस के रुतबे में गिरावट आई है। इस स्थिति को अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता है। दिल्ली हिंसा रोकने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने अपील की कि लोग शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। वे खुद राजधानी की स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं और कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं। जिस तरह हिंसा का तांडव हुआ है उस पर काबू पाने के लिए उनकी तरफ से अपील पहले आनी चाहिए थी। राजधानी में शांति और भाईचारा कायम रखना बेहद
आवश्यक है, क्योंकि यहाँ का छोटा सा घटनाक्रम भी देश की छवि को प्रभावित करता है। कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने जिस तरह एक दूसरे को बयानों से कठघरे में खड़ा किया, उससे बेहतर होता कि वे हिंसाग्रस्त इलाकों में पहुंचकर शांति कायम करने के प्रयास करते। यह वक्त है आपसी समन्वय और सहयोग से हिंसा रोकने का और शांति बहाली का। स्टॉप।